हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से उनके ट्रेडिंग आइडियाज भी समझते हैं। वैशाली, गुड मॉर्निंग, लेट मी स्टार्ट विथ यू। बताइए, ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से स्पॉट किए आपने? मॉर्निंग अगेन। आई थिंक देखिए, आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर ही रहा है। सो यस्टरडे वी सॉ एफएसएल में एक अच्छी सी कैंडल बनी है और इट इज बिगिनिंग टू शो साइंस ऑफ अपवर्ड मूव। तो मेरा एक एफएसएल में बाय स्ट्रेटजी रहेगा 103 के स्टॉप लॉस के साथ, 105 के स्टॉप लॉस के साथ 120-122 का टारगेट। और दूसरा, कल हमने देखा कि एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दोबारा एक अच्छा बाइंग दिख रहा है, वॉल्यूम पिकअप हुआ है एंड देयर इज रियली नॉट मच ऑफ अ डैमेज टू द ट्रेंड ऐसे मार्केट के सर्कमस्टेंसेस में। सो 55 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं देख रही हूँ, टारगेट रहेगा 64। ऑलराइट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये स्टॉक तो अच्छा चल भी रहा है और इसे एक रिकमेंडेशन, एफएसएल भी चल रहा है, आईडीएफसी तो ठीक है। जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम है उस पर बेट कर रही हैं वैशाली, ठीक है। संतोष से भी समझते हैं उनकी बेट्स कहाँ हैं। आज संतोष, आपके क्या लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे, बैंक्स होंगे, कैसे स्प्रेड किया आपने आज? यस, मेरे दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही बाइंग साइड है। पहला तो आईटी स्पेस से, निकुंज सर ने और आपने डिस्कस किया ही है कि आईटी में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ओवर द नाइट नैसडैक में भी 3% से ज़्यादा का अपमूव था। और टीसीएस का चार्ट देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, स्टॉक अपने 20-day मूविंग एवरेज को बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है और एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है मोमेंटम आज भी जारी रहेगा। यहाँ पर 3500 की जो कॉल राइट है वो शायद ट्रैप होते नजर आए और स्टॉक में फिर और तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी, यहाँ पर 3525 का टारगेट रहेगा एंड 3430 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा कंजम्पशन पैक से है। हम देख रहे हैं कि बजट के पास से कंजम्पशन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो CCL प्रोडक्ट्स, इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है ही, शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक एक बेस बनाकर फिर से ब्रेकआउट की तैयारी में है। तो मुझे लगता है यहाँ पे फोकस करना चाहिए, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 600 rupees का टारगेट रहेगा, 550 rupees का स्टॉप लॉस रहेगा। CCL प्रोडक्ट्स और आईटी प्लेस में TCS पर खरीदारी की कॉल इस वक्त संतोष की तरफ से। और क्या आपके स्टॉक आइडियाज में भी आईटी सेक्टर शामिल हैं, बताएं? तो नहीं छोड़ना चाहेंगे और ये एक ऐसा सेक्टर है जो काफी टाइम बाद मूव ले रहा है। तो मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा केपीआईटी से। केपीआईटी इस टाइम ट्रेड कर रहा है 787 rupees के आसपास, बहुत छोटा सा 740 का स्टॉप लॉस है और टारगेट जो यहां रहेगा वो 900 का रहेगा। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो केपीआईटी है वो हाइयर हाई हाइयर लो के फॉर्मेशन में पहुंच चुका है। सेकेंड स्टॉक जो मैं रखूंगा, बजट पॉलिसी में लर्निंग को और एडुकेशन को काफी अच्छा एक पुश मिला है, तो यहाँ पर स्टॉक है MPS जो कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और ई लर्निंग डिजिटल सॉल्यूशंस वगैरह देता है। सेम स्टॉक के साथ एक काफी अच्छा मूव आया, स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 1049 पर, स्टॉप लॉस रखेंगे 908 rupees का और टारगेट रहेगा यहाँ पर 1300 rupees का। इसने भी अपना प्रीवियस हाई क्रॉस करके और उसको सस्टेन किया है, वीकली कैंडल में एक अच्छा खासा मूव आया है। एंड थर्ड लास्ट जो मैं रखूंगा वो रहेगा मेटल सेक्टर से, जिंदल सौ। जिंदल सौ में यहाँ पर नवंबर से एक रैली कंटिन्यू है और बेस्ट पार्ट ये है कि ये रैली बाय ऑन डिप्स की रैली है। जैसे ही रैली में एक अच्छा मूव आता है, हरका से रिट्रेसमेंट वापस से ऊपर जाता है। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 133 rupees के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 114 का, टारगेट रहेगा 175 का। क्या तो ये आपकी रेकमेंड, ये आपके सारे स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं आज के लिए, ठीक है।